एक पग के लिए मैं खुद भी खप थी ना बाप था। डिसीजन लेने के लिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। एक रात में ही मुझे इतनी मजबूत होती। ये ऑर्डर के बॉक्सेस कम कैसे हो गए? इतनी जल्दी हाँ करने में ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं हम चाह रहे थे कि आलिया की शादी हो जाए, वो हम पर बोझ है। तो परसों आ रहे हैं बोलो। हर इंसान की अपनी राय होती है। जाती ड्रामा राय है जनून की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, जिसमें हम देखेंगे शबरेज और महर को अलीना जो होती है वो एक साथ नहीं जीने देती, क्योंकि वो कहती है कि मैं इस घर में दाखिल हो जाऊंगी और मैं इन दोनों को फोड़ दूंगी, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी दुश्मन होती है। शबरेज उनसे शादी नहीं करता इसलिए। और दूसरी तरफ देखें अलीना जो होती है वो जैन के साथ शादी करने का फैसला कर लेती है और कहती है मैं इस घर में दाखिल हो जाऊँ फिर इनकी खैर नहीं, मैं इन दोनों को इकट्ठे नहीं जीने देती। और आने वाली एपिसोड में और भी आप देखेंगे कि शबरेज के जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि जैन के साथ इनकी शादी हमने करवानी है और मेहर को इस घर से निकालना है। तो सब ही मेहर के खिलाफ होते हैं और शबरेज के भी खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन आगे से मेहर कहती है कि शबरेज और मैं और कहीं भी जाकर रह सकते हैं, आखिरकार हम इसी घर में तो नहीं रहेंगे, बहुत मुश्किल से एक दूसरे को पाया है, हम एक दूसरे को कैसे गवा सकते हैं, आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगा सकते हैं लगा ले, हम एक साथ ही रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे मेहर के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि मेहर तुम हमारे अपने घर में ही आ जाओ, शबरेज को लेकर इधर ही तुम सुकून से जिंदगी बसर